जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूँ एक नया मुकदमा। मिला जुला है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन बड़ा ही सनसनीखेज मामला। यस, आई एम टॉकिंग ऑफ कलकत्ता डॉक्टर रेप केस। सीबीआई जिसकी जांच कर रही है। सीधा सवाल है, न इधर की न उधर की, सीधे मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि क्या संजय रॉय के सामने सीबीआई छोटी पड़ गई? संजय रॉय ने क्या सीबीआई को भी चकमा दे दिया, या फिर सीबीआई की नकेल ढीली पड़ गई संजय रॉय को कसते कसते, और डॉक्टर बिटिया के इस अपराध की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते? कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कानून क्या कहता है, इसी बात पे लेकर मैं हाजिर हूं आपके बीच। सीबीआई वर्सेस संजय राय का यह मुकदमा कलकत्ता की अदालत से। मुकदमे पर आऊं उसके पहले एक ताजा अपडेट। अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कलकत्ता में इस मुद्दे पर जो उबाल है, जो धरना और प्रदर्शन है, वो बंद होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। डॉक्टर्स वापस अपनी ड्यूटीज पर लौटें, बीमार लोगों की सेवा करें। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि इस आंदोलन में पलीता लगा दिया जाए, इस आंदोलन की हवा निकाल दी जाए। भाजपा भी ढीली पड़ती हुई दिख रही है, आंदोलन के तेवर कुंद पड़ गए हैं, मंद पड़ गए हैं। आखिर डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कैसे मिलेगा, यह सवाल इस वक्त व्योम में तैर रहा है। जवाब दिखता नहीं है, दूर दूर तक चारों तरफ अंधकार है। तो जी हां, ममता बनर्जी कैसे पलीता लगा रही हैं? वो एक एक अड्डे को, एक एक क्लब को 40-40 हजार रुपया ऑफर कर रही हैं कि आप लोग दुर्गा पूजा मनाएं। बंगाल में इस वक्त गांव से लेकर शहर में इतना आक्रोश है, जहां वो कह रहे हैं कि जब हमारी मां बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दुर्गा की उपासना और आराधना का क्या मतलब है? दुर्गा पूजा का जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है वेस्ट बंगाल में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन विशेषकर वेस्ट बंगाल की यह विशेष पूजा है। महीनों भर लोग इसमें काम छोड़कर आस्था भाव में डूबकर मां को याद करते हैं। कहीं नव चंडी का पाठ चल रहा होता है, तो कहीं कल्चरल संध्या, पंडाल की सजावट देखते ही बनती है ठसम ठस। खाने की हो, लोग सोते नहीं हैं, कहीं दुर्गा पाठ चल रहा है तो कहीं मंत्रोच्चार शक्ति उपासना के ओम ओम कलिंग बिच का उच्चारण चल रहा है, पाठ चल रहा है। पूरी बंगाल इस वक्त आध्यात्मिक शहर में तब्दील हो जाता है, और आध्यात्म में डूबे हुए लोग शक्ति की उपासना करते थकते नहीं, लेकिन इस बार आक्रोश इतना बड़ा है कि उन्होंने बायकॉट करने का सोचा है, और ममता बनर्जी और उसकी पार्टी उस आक्रोश को खत्म करना चाहती है। पैसे का प्रलोभन चल रहा है, हो सकता है सख्ती भी की जाए, विरोध करने वाले लोग जेल में भी डाले जाएं, क्लब के वो अधिपति का। इधर आपने देखा कि ममता बनर्जी के जाने माने बुद्धिजीवी, फॉर्मर आईएएस अफसर, फॉर्मर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। उनको मनाने का दौर जारी चल रहा है, लेकिन हमारा मसला राजनीतिक कम, कानूनी ज्यादा है। और कानूनी ज्यादा में सवाल यही वापस आते हैं, क्या सीबीआई ने हार मान लिया संजय रॉय के तिक्रमों के आगे? क्या सीबीआई की नकेल ढीली बढ़ गई? कहां तो सीबीआई चूड़ियां कसने चली थी संजय रॉय पर।
और बड़े बड़े दावे किए गए, संदीप घोष और पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे खुलासे, लेकिन अब तक का जो परिणाम सामने है, जो तथ्य सामने है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में, मैं वहीं तक सीमित रखूंगा। और उसको अगर सीमित रखते हुए जिस केस की चर्चा मैं यहां कहने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि सीबीआई की नकेल ढीली पड़ गई है या सीबीआई की मनसा कुछ और है। लेकिन फिलहाल सीबीआई कटघरे में खड़ी नजर आती है संजय रॉय के इस मामले में। जी हां, या बाकिया है कलकत्ता की एक अदालत का, जहां एक तरफ खड़ी थी सीबीआई और दूसरी तरफ खड़े थे संजय रॉय के वकील। मसला था संजय रॉय के जमानत का। आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आपको अचंभा होगा। यह सियालदह कोर्ट में मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, जहां पर इस मामले की सुनवाई हो रही थी। सियालदह कोर्ट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के वकील एक तरफ सामने थे और दूसरी तरफ सामने थे संजय रॉय के वकील, जो कि इस मामले का मुख्य आरोपी है, रेप और मर्डर के मामले का, और इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में है। तो सीबीआई के वकीलों ने अर्जी क्या लगाई कि आपको जो पूछताछ करनी थी, जो जांच पड़ताल करनी थी, वो सब पूरा हो गया और किसी भी शर्त पर और किसी भी स्तर पर और ज्यादा दिनों तक आपको संजय रॉय को हिरासत में रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अतः कोर्ट में यह दरखास्त लगी कि संजय रॉय को जमानत पर छोड़ा जाए। अब जज साहब जो तर्क दिए गए संजय रॉय के समर्थन में, और ऐसे भी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, जो कानून है कि जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, अगर उसको फॉलो करती है तो संजय रॉय की जमानत बनती है और सियालदह की अदालत उसको जमानत देने के लिए कानूनन तौर पर बाध्य थी। अब संजय रॉय का केस एक्सेप्शनल है, कुछ और अपवाद की स्थितियां कौन बताए, ये बताना तो सीबीआई के वकील को था। लेकिन जब यह मैटर का कॉल हुआ, कॉल दर कॉल हुआ, तो सीबीआई नदारद थी। सीबीआई के वकील इस केस से गायब थे। जज साहब ने कहा कि इतने गंभीर मसले में सीबीआई का यह एटीट्यूड क्या मुझे यह कह नहीं रहा है कि मैं तुरंत प्रभाव से संजय रॉय को मुक्त कर दूं, मैं संजय रॉय को जेल से छोड़ दूं। आप इतने गंभीर मसले में सीरियस नहीं है, न सीबीआई यहां है और न सीबीआई का वकील है। सीबीआई का आईओ जो कोर्ट में मौजूद था, एक छोटा अधिकारी, उसने हाथ पांव जोड़कर जज साहब को किसी तरह से मनाया कि जनाब हमारे वकील आ रहे हैं। और प्रारंभ में तो आईओ भी वहां पर नहीं था, तो कॉल दोबारा तिवारा की गई, फाइनली आईओ इस केस में अपीयर हुआ। और जब जज ने यह धमकी दी कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय संजय रॉय को जमानत पर तोड़ने के लिए, तो जो सीबीआई का आईओ था कि भैया इस केस को एडजॉर्न कर दिया जाए, पास ओवर दिया जाए, 4:10 पे सुना जाए, 4:10 पर सीबीआई के वकील इस केस में सीबीआई की तरफ से पैरवी करेंगे, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सीबीआई के थे वो बहुत व्यस्त थे, वो बंगाल की दूसरी कोर्ट में थे। कोर्ट ने प्रावधान के अनुसार सीबीआई के अफसर के इस रिक्वेस्ट को मान लिया और यह मैटर 4:10 के लिए मुअत्तल कर दिया गया, एडजर्न कर दिया गया, शॉर्ट पास ओवर दे दिया गया। और जब 4:10 पर यह मैटर वापस कॉल हुआ, तो फिर सीबीआई के वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नदारद थे। इससे आप अंदाज कर लीजिए
कि नकेल किसकी ढीली पड़ रही है, सीबीआई की या संजय रॉय की? क्या सीबीआई हांफ गई है दौड़ते दौड़ते इस केस में? सीबीआई पकड़ तो रही है लेकिन जमानत पर, आपने यहां देखा कैसा पुरजोर विरोध करती है, केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ती है, बट यहां पर सीबीआई की वह तत्परता वह तीव्रता इस केस में नजर नहीं आती। इसके मायने क्या हैं आप जानें, आप निकालें, हमारा काम तो सवाल पूछना है। तो जी हां, जब 4:10 पर यह मैटर कॉल हुआ तो सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अब भी नदारद थे। इंतजार की घड़ियां चलती रहीं, घड़ी टिक 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 करके आगे बढ़ता रहा। अदालत अपने समाप्ति की ओर आज के कार्यों की तरफ लगातार बढ़ रही थी। लोगों को, मीडिया को समझ में नहीं आ रहा था कि सीबीआई इस मामले को लेकर इतनी लापरवाह क्यों है, क्या चाहती है, क्या संजय राय को जज साहब के पास कोई विकल्प नहीं होगा, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। 4:10 से इंतजार की घड़ियां 4:20 हो गई। जज साहब ने फिर पूछा वकील कहाँ है। तब उस स्थिति में अब भी आईओ साहब नहीं मौजूद थे, वकील मौजूद नहीं था, एक कोई अदना सा असिस्टेंट आईओ अपीयर हुआ और उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा वक्त दीजिए, अभी मैं कॉल करके पता करता हूं कि हमारे वकील साहब कहाँ हैं, और वो बाहर चले गए 4:20 पर। 15 के बाद वो वापस अदालत में अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि हमारे वकील साहब रास्ते में। तो यह रास्ता सवेरे से लेके शाम 5 तक का कितना लंबा हुआ, और फाइनली दबाव पड़ा जज साहब की तरफ से जब धमकी दी गई कि हम संजय राय को जमानत पर छोड़ रहे हैं तो सीबीआई के प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, सीबीआई के वकील दीपक बोड़िया साहब 5 अदालत के समक्ष उपस्थित हुए संजय राय की जमानत का विरोध करने के लिए। अब वहां पर जो कविता सरकार थी, जो संजय रॉय का केस लड़ रही हैं, उन्होंने सीबीआई के दीपक बरोड़िया से यह सवाल किया कि अब तक इस केस में जो रेगुलर एडवोकेट थे, जो सुनवाई कर रहे थे, जो पैरवी कर रहे थे, वो सवेरे से शाम तक का वक्त देने के बाद भी नदारद हैं, वह कहाँ हैं? तो इस पर दीपक बोड़िया साहब, वकील साहब जो सीबीआई को उस दिन उस मसले में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो इस केस में परमानेंट लॉयर हैं सीबीआई की तरफ से, लेकिन आज कुछ कारणवश वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं, और दीपक ने बिना कोई कारण बताए, बिना कोई ग्राउंड दिए, सिर्फ संजय रॉय के जमानत का विरोध किया। और दोनों पक्ष को सुनने के बाद फिलहाल कोर्ट ने संजय रॉय के बेल को रिजेक्ट कर दिया है, जो पिछले अगस्त 10 से सीबीआई की हिरासत में हैं, उनको पहले 14 दिन की और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, और अब सितंबर 20 तक संजय रॉय सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे, और अगली डेट पर संजय राय को फिर सीबीआई को अदालत में पेश करनी पड़ेगी। जो कविता सरकार हैं, जो संजय रॉय की पैर भी कर रही थी, उन्होंने इस आधार पर बेल मांगा कि संजय रॉय सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, संजय रॉय कंट्री छोड़कर नहीं जा रहे हैं, संजय रॉय का यह पहला अपराध है, उनका कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और अभी तक सीबीआई संजय रॉय के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत या दलील पेश नहीं कर पाई है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने सीबीआई के जांच की प्रक्रिया पे सवाल उठाए हैं और सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि
संजय राय को सीबीआई अंडरहैंड बैकडोर से छोड़ना चाहती है और सीबीआई खुद ही संजय राय को, जो एक मॉनस्टर है, जो एक क्रिमिनल है, उसको बेल पर रिहा कराना चाहती है। और यह जो पूरा मसला है, इसमें क्राइम या क्रिमिनल कुछ नहीं है, यह पॉलिटिकल एजेंडा है जो बीजेपी और मोदी के इशारे पर सीबीआई खेल रही है। वो खुद सवाल पूछते हैं कि इस तरह का लापरवाही बड़ा एटीट्यूड सीबीआई का, संजय राय जो कि इस अपराध का मुख्य अभियुक्त है, उस पर कैसे नॉन सीरियस एटीट्यूड हो सकता है और सीबीआई के पास क्या विकल्प है, किस आधार पर वो संजय राय को रोकना चाहती है। टीएमसी के एमपी साकेत गोखले ने ट्वीट कर सीबीआई पर ही संजय राय को छोड़ देने का, अंडरहैंड डीलिंग का, बैकडोर डील का आरोप लगाया है। सत्यता क्या है, यह जानने के लिए आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। इस मामले में जो भी ताजा तरीन अपडेट होंगे उससे मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।